हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन टाइम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं 29 अप्रैल की जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ें हैं उनको सारा इस वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे ऐसी ही अपडेटों के लिए मेरे चैनल कॉम्पिटिशन टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की न्यूज़। तो अगर हम अपनी आज की पहली न्यूज़ पर ध्यान दें तो हमारी पहली न्यूज़ है कि SC ST एक्ट के मामले में पुनर्विचार को तैयार सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, SC ST एक्ट पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। इस मामले की सुनवाई कितनी मई को होगी? 3 मई को। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून जो कि 1989 में आया था उस पर दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। जानकारी के अनुसार हमारे अटॉर्नी जनरल जो है KK वेणुगोपाल, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारे भारत के अभी हाल में ही के जी अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे, तो वर्तमान समय में तो KK वेणुगोपाल ने मामले से जुड़े लिखित दस्तावेज जो हैं कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। देख लेते हैं क्या था मामला। इन दस्तावेजों के आधार पर जज AK गोयल और दीपक गुप्ता की संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई करेगी। ठीक है, वेणुगोपाल ने पीठ से कहा है कि अदालत की मांग पर हमने लिखित दस्तावेज जमा कर दिए हैं। 4 राज्यों ने पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसके बाद न्यायमूर्ति गोयल मामले की सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। SC ST कानून के तहत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगाने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए केंद्र ने 2 अप्रैल को सुप्रीम का रुख किया था। 2 अप्रैल को क्यों किया था? तो आपको तो पता ही होगा कि संपूर्ण भारत में 2 अप्रैल को क्या हुआ था। उसी पे हुई उस जो एक्ट लागू था उसको उन पर उन्होंने जो नियम बना दिए थे उसको वापस लेकर इस एक्ट को पहले की तरह लागू करने की मांग की गई थी और दलित संगठनों ने उस दिन भारत बंद का आह्वान किया था। ठीक है, तो यही था। आप इसमें बस ये याद रखिएगा कि अब जो SC ST एक्ट है वो कब आया था, तो 1989। ठीक है, इसका तो हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है अभी, KK वेणुगोपाल। ठीक है, और कौन सी संवैधानिक पीठ के कौन कौन इसकी वो करेंगे, पीठ इसकी सुनवाई करेंगे जज, तो AK गोयल और दीपक गुप्ता। ठीक है, और गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। ठीक है, इसलिए दलित संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया था। चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या है। हमारी अगली महत्वपूर्ण न्यूज है, तेजस ने BBR मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हवा से हवा में मार करने वाली BBR मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यहाँ मैं आपको BBR का फुल फॉर्म बता देती हूँ, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ठीक है, तो ये एक एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 20 NMI या 37 किलोमीटर या उससे अधिक की सीमाओं में शामिल होने में सक्षम है। ठीक है, तो आपको BBR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बियॉन्ड द विजुअल रेंज। ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया। इस दौरान तेजस ने एक प्रभावी जंगी जेट के तौर पर अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित की है। वह अंतिम परिचालन की मंजूरी हासिल करने में के बिल्कुल करीब पहुंच गया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि गोवा के समुद्र तट के पास परीक्षण के तौर पर तेजस ने इस मिसाइल को दागा जो कि अभी अपनी सभी परिचालन जरूरतों पर खरा उतरा है। ठीक है, इससे पहले तेजस को सैन्य हथियारों से भी लैस कर दिया जा चुका है और अन्य मिसाइलों से भी लैस की मंजूरी दी जा चुकी है। ठीक है, तो बस आप इसमें यही याद रखिएगा कि तेजस ने BBR मिसाइल का सफल परीक्षण किया और BBR का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और ये होता क्या जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है, PM मोदी और जिनपिंग ने सेनाओं के लिए लिया बड़ा फैसला। मध्य चीन में वुहान शहर में दोनों नेताओं के बीच 2 दिन की अभूतपूर्व अनौपचारिक शिखर वार्ता समापन पर पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्री विजय गोयल ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और चीन की सीमा क्षेत्र के सभी इलाकों में अमन चैन कायम रखने का अहम करार दिया है। ठीक है, तो आपको एक तो ये याद रखना है कि इन दोनों की जो मुलाकात है वो किस शहर में हुई थी चीन के, तो वुहान शहर में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, वुहान शहर। और हमारे विदेशी सचिव कौन है वहाँ, तो विजय गोखले। ठीक है, इसका इस बात में दोनों दोनों नेताओं ने फैसला किया कि वे अपनी अपनी सेनाओं को सामरिक दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि संचार मजबूत किया जा सके, विश्वास व समझ कायम की जा सके, उन विश्वासों की बहाली उपायों को लागू किया जा सके तथा दोनों पक्षों में पहले की तरह सहमति बनी रहे। ठीक है, और इसी बीच इसमें बस आप यही याद रखिएगा
कि इन दोनों जो सी जिनपिंग और मोदी जी हैं, इनका जो सी जिनपिंग थे मोदी जी से कहाँ मिले हैं, तो वुहान शहर में, चीन के वुहान शहर में। और हमारे यहाँ के विदेश सचिव कौन है वहाँ चीन के, तो विजय गोखले, ठीक है। और विजय गोखले ने कहा है कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद को साझा खतरा माना है और आतंकवाद से मुकाबले में सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हाल में ही भारत ने किस देश के साथ सेनाओं के लिए फैसले लिए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, चीन के साथ, ठीक है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है, पंचशील के तर्ज पर पीएम मोदी ने बताया 5 सूत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को नई गर्मजोशी की उम्मीद जताई जा रही है। चीन के वुहान में जिस तरह मोदी का स्वागत किया गया, और फिर चीन जो शी जिनपिंग थे उनकी जिस तरह से केमिस्ट्री देखी गई उनके साथ, उससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें जो जमी बर्फ है वो पिघलती सी दिख रही है। चीन को लेकर भारत विदेश नीति अब पंचशील सिद्धांत पे आधारित रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस देश के साथ भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांत पे आधारित रहेगी, तो कौन सा देश है वो, चीन, ठीक है। देश के पहले जो पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी चीन के साथ मजबूत रिश्ते करने के लिए पंचशील सिद्धांत दिया था, लेकिन चीन संबंधों पर पीएम मोदी का पंचशील जो सिद्धांत है वो नेहरू के सिद्धांत से कुछ अलग है। तो देख लेते हैं हम जो पीएम मोदी का जो सिद्धांत है वो क्या है। देखिए ये दिया है, ठीक है। पीएम के एजेंडे का सार ये है, पंचशील सिद्धांत मतलब 5 सिद्धांत होंगे इनके। तो पहला सिद्धांत कौन सा आपका, समान दृष्टिकोण, ठीक है। दूसरा है बेहतर संवाद, तीसरा है मजबूत रिश्ता, चौथा है साझा विचार, और आपका पांचवा है साझा समाधान, ठीक है। आपको ये पांचों जो पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ये आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मोदी ने इस पंचसूत्री एजेंडे को 1954 में दोनों देशों के पहले प्रधानमंत्री के बीच हुए पंचशील सद्दा मतलब समझौते के बाद अहम माना जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचशील सिद्धांत है, तो जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत क्या थे, इस पर भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। इससे पहले 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया था। नेहरू ने चीन के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए 5 सिद्धांत दिए थे, जिसमें थे आपका एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, ठीक है। दूसरा गैर आक्रमणता आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल ना देना, साझा के लिए समानता और सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत थे जो कि 1954 में दिए गए थे, ठीक है। बीते साल डोकलाम में भारत और चीन के बीच लगातार 70 दिन तक चले तनाव के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली द्विपक्षीय मुलाकात थी, ठीक है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भी चीन के साथ सुधार के लिए पंचशील सिद्धांत दिए थे, और पीएम मोदी ने भी इन 5 सूत्रों को नेहरू के पंचशील सिद्धांतों के बाद खासा अहम माना जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मोदी जी ने कौन से पंचशील सिद्धांत दिए हैं और इनके कौन से पंचशील सिद्धांत थे जवाहरलाल नेहरू जी के। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है आपकी, कोरियाई नेताओं के बीच परमाणु निशस्त्रीकरण पर बनी बात। तो हो सकता है आपसे पूछे, हाल में ही किन दो देशों के बीच लंबे समय के बाद निशस्त्रीकरण पे समझौते हुए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, 65 साल बाद उत्तर कोरिया के किसी शासक ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया है, और किम जोंग उन ऐसा करने वालों में से पहले शासक हैं, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना, कौन है जो कि हाल में उत्तर कोरिया के नेता, किम जोंग यंग। 65 साल बाद कोई उत्तर कोरिया का जो शासक है वो दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए हैं। तो इस घटना ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के नेताओं ने ऐतिहासिक शिखर बैठक के बाद विभाजित प्रायद्वीप में स्थित शांति और पूर्ण निशस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ाए जाने का इरादा व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने अपने जो पूर्ण सैन्य विभाजक रेखा है उसको प्रतीकात्मक रूप से हाथ मिलाने के साथ दोनों नेताओं ने पूर्ण निशस्त्रीकरण, परमाणु मुक्त कोरियाई प्रायद्वीप के साझा लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, ठीक है। दुनिया भर की मीडिया के सामने दोनों नेताओं ने शिखर वार्ता के समापन पर मुस्कुराहट के साथ अपनी दोस्ती का प्रदर्शन किया, ठीक।
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, उन दक्षिण कोरिया और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन। तो आपको दोनों के नाम याद रखने, दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति इस टाइम कौन है, मून जे इन, और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन। ठीक है, इन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि वे कोरियाई युद्ध के स्थायी समाधान की दिशा में इस साल प्रयास करेंगे और सैन्य के हल के बजाय शांतिपूर्ण संधि से इसे खत्म करने की दिशा में पहल की जाएगी। ठीक है, तो अगली न्यूज देखते हैं। हमारी अगली न्यूज है लाल किला को लिया गोल, केंद्र सरकार की एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। तो आपको इस स्कीम का भी याद नाम रखना याद, ठीक है, एडॉप्ट हेरिटेज। ये कब स्टार्ट हुई है, ये सितंबर 2017 में लॉन्च की गई थी ये सरकार, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, इसमें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया जो लाल किला है, ये डालमिया ग्रुप द्वारा गोद लिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है, लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने, ठीक है, और किसने इसे गोद लिया है, तो डालमिया ग्रुप ने। ठीक है, देश ने इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालने की खातिर डालमिया ग्रुप ने 25 करोड़ की डील की है। इस तरह ये ऐतिहासिक स्मारक गोद लेने के वाला भारत का ये पहला कॉरपोरेट हाउस बन गया। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐतिहासिक ऐसा पहला कॉरपोरेट हाउस जिसने किसी ऐतिहासिक धरोहर स्मारक को गोद लिया है, तो वो है आपका डालमिया ग्रुप। और किसको गोद लिया, लाल किला को, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और डालमिया ग्रुप ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 साल के लिए इंडिगो एयरलाइन और GMR ग्रुप को हरा कर जीता है। ठीक है, इसका दौर देख लेते हैं हम। और ये जो स्कीम चलाई गई है एडॉप्ट हेरिटेज, ये देश भर के 100 ऐतिहासिक स्मारकों के लिए लागू की गई है। ठीक है, जो जो डालमिया ग्रुप है वो संभवतः 23 मई से अपना काम करना शुरू कर देगा। और हाँ, लेकिन ये 15 अगस्त के दिन ये जो लाल किला है ये पूर्णतः से सिक्योरिटी एजेंसियों को देना होगा, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं और वहीं से भाषण देते हैं। ठीक है, लेकिन परंतु जैसे ही 15 अगस्त समाप्त होगा उसके पुनः ये इन्हीं के अंडर में आ जाएगा। तो लाल किला के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डालमिया भारत ग्रुप, टूरिज्म मिनिस्ट्री और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बीच 9 अप्रैल को डील हुई है। किन किन के बीच डील हुई है आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और ग्रुप को छः महीने में लाल किला को सुविधाएं देनी होगी। इसमें पीने के लिए पानी की सुविधा, स्ट्रीट फर्नीचर जैसी सुविधाएँ शामिल है। ठीक है, और डालमिया भारत ग्रुप के इस टाइम CEO कौन है, महेंद्र सिंह ही। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद रखना है, महेंद्र सिंह ही डालमिया ग्रुप के CEO। ठीक है, ये लाल किला के अंदर 30 दिन के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि लाल किला हमें शुरुआत में 5 वर्षों के लिए ही मिला है। ठीक है, तो कितने वर्षों के लिए मिला है उन्हें, 5 वर्षों के लिए। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बताया तो आप जरूर पढ़ लीजिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है कि 200 वर्षों बाद केवल गाय ही सबसे बड़ी स्तनधारी जीव होगी, अध्ययनकर्ताओं ने बताया। उन्होंने बताया कि जानवरों का लुप्त होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह प्रक्रिया करीब 1,25,000 वर्षों से चल रही है। जब अफ्रीका के मूल निवासी प्राचीन मनुष्य जैसे नियंडरथल थे, जो अन्य महाद्वीपों में फैलना शुरू किया, तब से ही बड़े आकार के स्तनधारी के विलुप्त होने की घटना में तेजी आई है। ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों के कारण बड़े जानवर जो है विलुप्त हो रहे हैं और वर्तमान में भी ऐसा यही हो रहा है। एक चीज जान लीजिए, अभी फिलहाल कौन है सबसे बड़ा स्तनधारी, तो सबसे बड़ा स्तनधारी फिलहाल हमारी व्हेल है और इसके बाद हाथी, जो कि दोनों ही विलुप्ति के कगार पर है, तो इसके बाद गाय ही आएगी। ठीक है, 200 वर्षों में बताया गया कि गाय ही सबसे बड़ी स्तनधारी होगी। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है आपकी, इंदु मल्होत्रा है वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील होंगी। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट, ये काफी इम्पोर्टेंट न्यूज है आपकी, पहली महिला वकील है ये। क्या नाम है इनका, इंदु मल्होत्रा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील होंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगभग 3 महीने पहले उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजा गया था। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश मान ली है और इस समय सुप्रीम कोर्ट में 24 जज है, जिसमें से केवल एक ही हमारी महिला है, जो कि है जस्टिस R. Bhanumathi। और तो देख ले, जस्टिस आर जो भानुमती हैं, इनको 2014 में नियुक्त किया गया था और 2020 में इनका ये सेवानिवृत्त हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद दूसरी महिला कौन होंगी, ये इंदु मल्होत्रा। इस तरह जो 24 जज हैं उनमें से 2 महिलाएं हो जाएंगी, एक तो R. Bhanumathi, दूसरी इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आई तो हम पहले ये फैक्ट भी देख लेते हैं कि पहली महिला कौन थी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। तो थी वो फातिमा बीबी, जो कि 1989 में बनी थी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ है, 1950। ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट का गठन भी याद रखना है। और फातिमा बीवी कब बनी थी, 1989 में।
ठीक है, जो कि पहली महिला न्यायाधीश थी। हाँ, इसमें मैं इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज तक जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की महिलाएं जज सुप्रीम कोर्ट में जो महिलाएं जज बनी हैं वो कहीं ना कहीं किसी हाई कोर्ट में काम कर चुकी हैं, परंतु इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला हैं जो सीधे वकील से सीधे जज बनने जा रही हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिए। क्या नाम है इनका? इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कॉम्पिटिशन टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।